हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं या वुमेन कैंडिडेट है, और जो रेलवे की वैकेंसी निकली है उसकी, और जो मैंने दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि 57 पेज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 7वां पेज आप खोलेंगे तो मैं फीस वाली आज बात करूंगा कि इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी एससी एक्स सर्विस मैन पीडब्ल्यूडी फीमेल या ट्रांसजेंडर वाले जो कैंडिडेट हैं इनका तो 250 रुपया लग रहा है। इसमें देखिए स्टार लगा हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि दिस फीस आप 250 शैल बी रिफंडेड डली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीडीटी। दोस्तों, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट एसटी एससी के हैं या फीमेल के हैं या एक सर्विस मैन है तो वो कैंडिडेट अपने अकाउंट से इसका फीस जमा करे, अपने एटीएम कार्ड से या अपने नेट बैंकिंग से फीस जमा करे, क्योंकि आप यदि फर्स्ट स्टेज एपीआर कर लेंगे या आप फर्स्ट स्टेज पेपर दे लेंगे तो यह जो फीस है उसी अकाउंट में रिफंड की जाएगी। यदि आप साइबर कैफे में जाते हैं, यदि वह अपने अकाउंट से करता है तो उसके अकाउंट में जो है फीस रिफंड होगी। याद रखिएगा दोस्तों, मैं इसीलिए वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने यह कमेंट किया था कि इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं कि आप लोग जो फीस करेंगे वो आप अपने एटीएम कार्ड से या जो है अपने डेबिट कार्ड से या अपने नेट बैंकिंग से ही आप लोग अपना जो है प्लीज आप लोग कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर दोज एग्जाम फीस रिफंडेबल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन फर्स्ट स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज में जो अपीयर्ड होगा उसका रिफंड किया जाएगा 250 रुपए, जो भी जिस अकाउंट से आप लोग जमा करेंगे उसी अकाउंट में जो है रिफंड किया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि साइबर कैफे वाले से बोलना है कि आप अपना एटीएम कार्ड देना, उससे पेमेंट करें, और जो कैंडिडेट चालान द्वारा पे करेंगे तो वह जब चालान आप इंटर करेंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें, तो उसमें आप अपना अकाउंट नंबर और अपना आईएफएससी कोड बैंक का और बैंक का नाम जरूर लिखिएगा और अपना नाम लिखिएगा, क्योंकि यदि आप एपियर्ड हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज में तो आपका रिफंड हो जाएगा पेमेंट 250 रुपए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो एसटी एससी से हैं या वुमेन है या ट्रांसजेंडर है या एक्स सर्विसमैन है, उन्हीं लोगों के लिए अप्लीकेबल है। जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यह अप्लीकेबल नहीं है, केवल एसटी एससी फीमेल के लिए, एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर हो ये सब है। तो आप 51 जो 57 पेज वाला है, 57 पेज के 7वें पेज में देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप अपने एटीएम से पे कीजिएगा या अपने नेट बैंकिंग से पे कीजिएगा। धन्यवाद।